हवामान विभाग द्वारा मळती माहिती मुजब अत्यारे सावरकुंडला ग्राम्य विस्तारों में वरसादी छांटा जोवा मळ्या छे, एटले के पश्चिम थी दक्षिण विस्तारों में अत्यारे वरसाद एटले के पवन फूंकाई रह्यो छे। अमदावादनी जो बात करिए तो अमदावाद में पण जे परिस्थिति छे ते विकट बनी छे। गुजरात में हवामान विभाग ने आगाही करवामां आवी छे। महत्वनुं ए छे के पश्चिम दक्षिण दिशा में पवन अत्यारे फूंकाई रह्या छे। हवामान विभाग माथी मळती माहिती प्रमाणे दक्षिण अने पश्चिम विस्तारों में पवन फूंकाया। दक्षिण गुजरात में सामान्य वरसादनी आगाही हवामान विभाग द्वारा करवामां आवी छे। साथ ही आवतीकाल 10 जून सुधी वरसाद थाय तेवी शक्यताओ सेवाई रही छे। पश्चिम दक्षिण विस्तारों में अत्यारे पवन फूंकाई रह्या छे तो भावनगर ना ग्राम्य विस्तारों में आवी छांटा पण जोवा मळ्या। महत्वनुं छे के गुजरात में हवामान विभाग ने आगाही प्रमाणे क्यांक ने क्यांक पश्चिम अने दक्षिण विस्तारों में जे अमी छांटा छे ते पण जोवा मळी रह्या छे ने भारे पवन पण फूंकाई रह्यो छे। आ साथे 6 लईने 10 जून सुधी वरसाद पड़े तेवी हवामान विभाग द्वारा आगाही करवामां आवी छे। हवामान विभाग ना निष्णात एवा अंबालाल पटेल द्वारा आगाही करवामां आवी छे के दक्षिण गुजरात में सामान्य वरसाद वरसी सके छे। आवतीकाल 10 जून सुधी वरसाद वरसे तेवी संभावनाओ वर्ताई रही छे। महत्वनुं ए छे के भावनगरना ग्राम्य विस्तारमां अमी छांटा हवे जे वातावरण छे तेमां अचानक ज पलटू आवतो होय तेवा दृश्यनुं निर्माण थई रह्युं छे। गुजरातमां हवामान विभागनी आगाही छे के आवतीकालथी 10 जून सुधी वरसाद पड़ी शके तेम छे। अने अत्यारे खास करीने भावनगरनी वात करीए तो भावनगरमां पण मेघराजाए आगमन करी दीधुं छे, एटले के हवे भावनगरमां अत्यारे वरसाद वरसी रह्यो छे। हवामान विभागना निष्णात अंबालाल पटेल द्वारा आगाही करवामां आवी छे के हवे आवतीकालथी जे बीजा विस्तारो छे बीजा जिल्लाओ छे तेमां पण वरसाद वरसी शके तेम शक्यताओ छे। अत्यारे भावनगरमां पण वरसाद वरसी रह्यो छे। आ વિશે વધુ માહિતી આપવા માટે અમારા સહયોગી પ્રીતિ મહેતા અમારી સાથે જોડાયેલા છે। પ્રીતિ જણાવશો શું છે વિસ્તૃત માહિતી? जी बिल्कुल मुस्कान, काळझाळ गर्मी थी समग्र गुजरात त्रस्त बनी गयु हतु। गुजरात नी साथे गुजरातीओ पण त्रस्त बनी गया हता। तेवा समय सौ कोई चातक नजरे एक ज वस्तुनी राह जोई रह्या हता ने ते हतो वरसाद। जगतनो तात पण वरसादनी राह जोई रह्यो हतो तो सामान्य माणस पण वरसादनी राह जोई रह्यो हतो। हेतु पर्पज बंनेना अलग हता। जगतनो तात पोताना पाक माटे तो जे सामान्य माणस छे ते पोताना जे काळझाळ गर्मी छे तेमांथी राहत मेळवा माटे वरसादनी राह जोयो हतो। तेमां राहतना समाचार ए आवी रह्या छे के 10मी तारीखे जे चोमासुं छे ते गुजरात आवी पहोंचे, जेनी शुरुआत आजे जामनगर थी थई। जे प्रमाणे वरसाद वरस्यो छे अने साथे साथे जे जगतनो तात हतो ते पण अत्यारे हाल खुश छे, कारण के योग्य समय चोमासुं आवी रह्यो छे। योग्य समय ज्यारे वरसाद वरसी रह्यो छे त्यारे पाकने नवजीवन मळशे, कारण के पाणीना अभावना कारणे केटलाय खेडूतो एवा हता के जेनो पाक छे ते नष्ट नाबूत थई गयो हतो। एवा खेडूतो माटे राहतना समाचार हता के जेने वरसादथी नवजीवन मळशे। अत्यारे हाल ज्यारे वरसादनुं आगमन थई गयुं छे त्यारे आबाल वृद्ध सौ कोई अत्यारे हाल खुश छे। काळझाळ गर्मीमांथी राहत मळी छे ने साथे साथे जे पाक छे तेने पण नवजीवन मळवा जई रह्यो छे। जी मुस्कान। जी प्रीति आभार छे विस्तृत माहिती माटे। जे रीते अमारा सहयोगी जणावी रह्या छे के अत्यारे खेडूतनी हालत पण कफोड़ी बनी हती अने वरसाद आववानी साथे तेमां पण खुशीनो माहोल जोवा मळी रह्यो छे। आम जनतानी अमारा सहयोगीए वात करी तो आम जनता पण काळझाळ गर्मीमांथी राहत मेळववा माटे कागडोळे मेघराजानी राह जोई रह्यो हतो अने मेघराजानी एंट्री थई चूकी छे। जी हा, भावनगरना ग्राम्य विस्तारमां मेघराजानी एंट्री थई गई छे, एटले के हवे क्यांक ने क्यांक जे खेडूतो छे जे आम जनता छे तेने हवे आ मुश्किलीनो सामनो महद अंशे ओछो करवो पड़शे। तेमज हवामान विभागना निष्णात अंबालाल पटेलनी आगाही प्रमाणे 10 जून सुधी वरसाद वरसे तेवी शक्यताओ पण वर्तावामां आवी छे। आ साथे अत्यारे वातावरणमां पलटो आवतानी साथे सवारथी ज वादळछाયા વાતાવરણ પર ઘેરાયા હતા અને બપોર બાદ અચાનક જ વરસાદ પડ્યો તો ભાવનગરવાસીઓમાં પણ ખુશીનો માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે। ભાવનગરવાસીઓને હવે જે ગરમી છે તેમાંથી મહદ અંશે રાહત મળશે તો વરસાદ થતા વાતાવરણમાં અચાનક જ
ઠંડક પ્રસરી જવા પામી છે તો ભાવનગર જિલ્લાના જેસર તાલુકામાં વરસાદી માહોલ અને વરસાદ પડતાની સાથે ભાવનગર વાસીઓમાં ખુશીનો માહોલ જેસર દેપલા છાપરિયા શેરડા કાત્રોત્રી સહિતના અનેક પંથકમાં વરસાદ વરસ્યો છે તો ભાવનગરમાં સવારથી જ વાદળછાયું વાતાવરણ હતું અને અત્યારે વરસાદ વરસી ચૂક્યો છે એટલે કે હવે ભાવનગરમાં વરસાદ પડી ચૂક્યો છે મેઘરાજાની એન્ટ્રી ભાવનગરમાં થઈ ચૂકી છે હવે નિષ્ણાંતના જણાવ્યા અનુસાર 10 જૂન સુધી દરેક વિસ્તારોમાં વરસાદ થશે તેવી શક્યતાઓ છે।